रसल मेंडेस पर कप्तानी का दबाव साफ झलक रहा है ना, क्योंकि अभी दो ही मैच हुए तो बहुत ही जल्दी होगा ये डिसीजन पे आने के लिए। एंगलब्रेट और वैन बीक के बीच 130 रनों की साझेदारी ने नेदरलैंड्स को मैच में वापस ला दिया था। हाँ, हमने देखा कि बहुत ही बढ़िया साझेदारी रही और इसी की वजह से वो लोग 260 रन का टोटल पोस्ट कर पाए। सदीरा समारा विक्रमा मौजूदा समय में श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। हाँ, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही बहुत ही बढ़िया है, बट जिस तरह से अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं। नेदरलैंड्स के 6 विकेट 91 रन पर गिराने के बाद श्रीलंका ने मैच हल्के में ले लिया था। ना, मेरे ख्याल से कोई भी टीम ऑपोजिशन को हल्के में कभी नहीं लेती है, खास करके जब विश्व कप का मैच हो। कसुन रजिता को पहले मैच के बाद ही 11 से बाहर रखना गलत फैसला था। हाँ, जिस तरह से उन्होंने आज प्रदर्शन किया तो डेफिनेटली लग रहा है कि उनको खिलाना चाहिए था। दिलशान मधुशंखा ने स्पिनर्स के खराब प्रदर्शन पर पर्दा डाल दिया है। हाँ, मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी है तो उस तरह से ऐसा लग रहा है कि उनके स्पिनर्स जितनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे उनको हाइड कर दिया।